जरा महात्मा लोग कहे करनी करे नर क्यों डरे करके क्यों पछताए। अरे खेत में तो भाई बवणिया पचे आंबा कटाऊ खाए। करनी करो तो आची करो बुरी विचारो नाय। अरे कसर पड़े जड़ी मत करजो मिनखा ओची उम्र के माय। आज अपने भगवान की कृपा बुढ़िया लोग घनी जमी छोड़ गया घनी धरा अपने कने भगवान की कृपा जमी घनी है परिवार घणो ही बढ़िया भाई घना ही चौका पिताजी माताजी रो हबाव घणो ही चौको है लेकिन घर में गाय नहीं है तो हैंग माता अलग आ गौ माता अलग। तो नागड़ी गांव लगभग मैं 3 साल हूं अपने गांव में आ रही हूं मारो हाथ जोड़ के निवेदन है हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूं मैं अपने यदि आपने घर में गौ माता बांधने की जगह नहीं है तो प्लीज आप गौशाला में आवे और एक गौ माता को गोद जरूर लेवे आओ गोद लेने की प्रथा शुरू करें। बच्चा ने द्वितवार की छुट्टी हुए उन दिन आप गौशाला में ले आओ बच्चा ने घंटों भर उन गौशाला में खिलाओ बच्चा नो मानसिक विकास देखो कितो बढ़िया वेला वो बच्चों पढ़ाई में कितो तेज वेला उन बच्चारो हवाओ कितो बढ़िया वेला उन बच्चारा संस्कार कितना बढ़िया वेला। जको बच्चो हफ्ते महीने एक बार गौशाला आवे उन बच्चारी पढ़ाई को रिजल्ट देखो आप 100 में से 100%। तो माता बहनों थाने मारो हाथ जोड़ के निवेदन है मैं रोजीना हाथ जोड़ू क्योंकि मेरो काम है मर जाऊं पर नहीं मांगू तन अपना रे काजा यार गौ माता के लिए मांगता मुझे नहीं आवे ला जा मेरा हाथ हाथ जोड़ने को काम मेरे रोजीना को है। आज मैं नागड़ी में युवा से हाथ जोड़ रही हूं कल से संडे के संडे द्वितवार के दिन अपने बच्चों को दिन में एक बार महीने में 4 बार गौशाला जरूर लाओ ना एक बार हाथ खड़ो करो मारी बात चौकी लागी वह तो मारी बात चौकी लागी तो हाथ खड़ो करो आपरा टाबरा ने गौशाला तक ले आना यदि बात चौकी लागी तो हाथ खड़ो कराओ एक बार लंबो हाथ खड़ो करो ठे तो पड़े ना कि भाव है नगरी में। धन्यवाद। महीने में 4 वीरवार आवे 4 दिन महीने में 4 दिन भी एक एक घंटों यदि बच्चा ने गौशाला में लाओ ला तो वो बच्चों जिन समय गौ माता रे स्वामी देखेला और वह गौ माता उन बच्चा रे स्वामी देखेला। सजनो गौ माता में 33 करोड़ देवता और जिन दृष्टि गौ माता उन बच्चे रे स्वामी देखेला 33 करोड़ देवता रो आशीर्वाद उन बच्चा ने प्राप्त वेला क्योंकि गौ माता में इतो तेज है इतो तप है और वो बच्चा मैंने वो 33 करोड़ देवता रो आशीर्वाद वेलो जाए। इसलिए थोड़ा विचार कर लेना मारी बात यदि खारी लगी हुए तो दरिमा जाटक निकल जाओ यार यदि मन में लागे कि ये बात सही की भी एक टाबरा ने गौशाला लाणो चाहिए तो हमारी बात ने आप ग्रहण कर जो यार ये बात ने थोड़ी मन में भी रख जो द्वितवार आवे आपका 2-4 टाबर माने आप गौशाला तक ले आओ यार हो सके यदि घर में 200-400-500 रुपया खुला हुआ है तो बच्चा ने जिन समय आप गौशाला ले आओ एक छोटो काम और कर लीजिए यदि माए आ थाने क्यों चौकी लाग जाओ बात तो ताली बजा जो यदि सुनने के बाद बच्चा ने जिन समय गौशाला ले आओ उन बच्चारा हाथों यदि ये गुड़की डली गौ माता ने जिमाओ यदि मारी बात चौकी लागी हुए तो ताली बजा जो नितर मत बजा जो एक गुड़की डली वो बच्चों यदि आप हाथों में गौ माता ने जिमावेला तो 33 करोड़ देवतारो भोग लागेला 33 करोड़ देवतारो। अब देख लो कितना संता ने जिमाना ब्राह्मणा ने जिमाना कन्या जिमानी सब अलग यार एक गौ माता ने गुड़की डली भी जिमा दी बस 33 करोड़ देवता के भोग लाग गए। इतो विचार कर लीजिए क्योंकि आप तो सब गुणीजन हो बुद्धिजीवी हो क्योंकि गुणीजन नहीं रहता तो आठो गांव 3 किलोमीटर दूर है गांव छोड़ यार कांकड़ में कौन आता यदि गुणीजन नहीं रहता तो गांव छोड़ कांकड़ में अपना बाल बच्चा ने ले परिवार ने ले कांकड़ में नहीं आता। कोई ना कोई गौ माता जरूर अपने हकड़ा ने बा गौ माता की तरंग अपने तक पहुंची जन आप घर छोड़ लाखों रुपया बंगलो छोड़ यार जीवड़ा नींद तो काली ले लेवा आ 2 घंटा भजन सुना पीर बाबा की जय हो। आज गौ माता भगवान को रूप और जिन घर में गाय बांधोड़ी आज भी देख लो जिन घर में गाय बांधोड़ी वह उन घर को रूप उन घर को वातावरण देखो कि तो खुशहाल घर वो प्रेम उन घर में लक्ष्मी उन घर में खुशी उन घर में
शांति उन घर में, आनंद उन घर में। ये गौ माता रे बांधनो उन घर का रूप देखिएगा, कदी कोई तरह की काइश कोने में उन घर में, क्योंकि बा गौ माता हमेशा कले में मेड़ दिया करे। उन गौ माता बात तो तप है, गौ माता रे खुर में जटे गौ माता खड़ी रहे, और खुर वा जगी रंज है, वा जगी रेत में तो तप वे। और जिन जगह गौ माता आवाज करे उन जगह भगवान कृष्ण खुद वंशी बजाया करे, क्योंकि गौ माता रे बोलने की जगह आवाज वे उनमें भगवान खुद वंशी बजाता, गोकुल छुआ हुआ।